नमस्कार, मैं हूं अंजलि और आप देख रहे हैं भारत रफ्तार न्यूज। तो आइए शुरुआत करते हैं आज की मुख्य खबरों से। सीतापुर में बिजली विभाग की बड़ी लापरवाही आई सामने, बिजली के तार जल रहे हैं, बड़ा हादसा होते होते बचा। लहरपुर नगर के गुरखेत बाजार के दुकानदारों ने उपखंड अधिकारी को प्रार्थना पत्र देकर जर्जर विद्युत लाइन को दुरुस्त करवाने की मांग की। जानकारी के अनुसार नगर के गुरखेत बाजार के दुकानदारों ने उपखंड अधिकारी लहरपुर को प्रार्थना पत्र देकर बताया है कि गुरखेत बाजार मेन रोड कब्रिस्तान के निकट वक्फ बोर्ड की दुकानों के ऊपर से जो केबल लाई गई है वह इतनी जर्जर हो चुकी है कि बार बार टूट कर गिर जाती है, जिससे कभी भी कोई बड़ा हादसा दुकानदारों के साथ या अन्य राहगीरों के साथ हो सकता है। आपको बता दें कि इससे पहले खालिद शाकिद फैशन की दुकान की छत पर पड़ी पन्नी में आग लग चुकी है, जिसके बाद स्थानीय दुकानदारों के द्वारा वक्त रहते आग पर काबू पा लिया गया था, वरना दुकान स्वाहा भी हो सकती थी। उसके बाद दुकानदारों के द्वारा 4 जून को विद्युत उपखंड अधिकारी को प्रार्थना पत्र लिखकर केबल बदलवाने की मांग की गई। उसके बाद दिनांक 14 जून को एक बार फिर केबल रवाइस की तरह जलने लगी, जिससे बड़ा हादसा होने से बाल बाल बच गया। यदि वक्त रहते इसको संज्ञान में नहीं लिया गया तो एक बड़ा हादसा हो सकता है, जिसको लेकर दुकानदार शहजाद पंकज मिश्रा, मोहम्मद तागर, मोहम्मद जीशान, जमाल अहमद, माशूक उस्मान खान, फैसल जुनैद आदि दुकानदारों ने उसको दुरुस्त कराने की मांग की है। यूपी के सीतापुर से आशु मालिक की रिपोर्ट। खबरों में अब तक के लिए बस इतना ही, मिलते हैं फिर किसी खास खबर के साथ। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, कमेंट व शेयर करें, और भारत रफ्तार न्यूज की हर अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और हाँ, बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें।